और आप लोग ये सामने देख सकते हैं, इस साइड में है चीनी मिल और बगल में यहाँ पर है शंकर जी का मंदिर। और भाई इस साइड में देख सकते हैं ये चीनी मिल का बिल्डिंग है, नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उपक्रम, नंदगंज गाजीपुर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं इस समय हूँ गाजीपुर जिले नंदगंज के पास है एक सिहोरी गांव, यहीं पर है चीनी मिल जिसका नींव 1975 में रखा गया। इस मिल का जो उद्घाटन है 1978 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा किया गया था। इस मिल के खुल जाने से जो आसपास के गांव थे या आसपास के जिले थे उनमें खुशियां की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इससे लाखों किसानों को रोजगार मिला, क्योंकि गन्ना तो किसान ही पैदा करेंगे और मिल को ज़रूरत थी गन्ना की। तो भाई काफ़ी खुश थे और मिल जो है 1978 से लेकर 1990 तक काफ़ी सरकार को फायदा दी। लेकिन 1990 के बाद जो कि मिल में कुप्रबंधन और लूट खसोट के कारण अगले साल 1991 में मिल घाटे में जाने लगी और धीरे धीरे यह घाटा बढ़ता गया, जिससे मिल को बंद कर दिया गया। और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, चुनाव के टाइम सबको याद आता था चीनी मिल, क्योंकि काफ़ी कोशिश किए क्षेत्र के लोग कि मिल चालू हो जाए। तो जो भी सरकारें आई उस टाइम वो कहती थी कि मैं मिल चालू करवा दूंगा, जो चीनी मिल है इसको चालू करवा दूंगा, बट चुनाव बीतते सब लोग भूल जाते थे। और आज तक यह चीनी मिल बंद है, कितनी सरकारें आई और कितनी गईं, और प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो भी सरकार है उसका भी ध्यान इस साइड में नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को नंदगंज के सिहोरी में जो चीनी मिल है उसका व्यू, कि इस समय किस हाल में है यह चीनी मिल। और आप लोग ये सामने देख सकते हैं, इस साइड में है चीनी मिल और बगल में यहाँ पर है शंकर जी का मंदिर, जहाँ पर लोग आते हैं पूजा करते हैं। और ये भी कुछ बाबा लोग आए हैं, देख सकते हैं आप लोग गाड़ी से यहाँ पर अपना रुके हैं। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुराना यहाँ पर मकान है। चलिए मैं आप लोग को और पास से दिखाता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं सामने चीनी मिल का मेन गेट, यहीं से उस टाइम गाड़ियाँ एंट्री करती रही होंगी, बट जो गेट देख रहे हैं आप लोग पूरा गेट में भाई जंग लग चुका है और हालत पूरी ख़राब है। उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा गेट बनाया गया है और बगल में गार्ड रूम है, जो कि भाई एंट्री करने से पहले गार्ड चेक करता रहा होगा, जिसके पास पास रहा होगा वही एंट्री कर पाता होगा, सबको इसमें एंट्री नहीं मिलती रही होगी। और ये देख सकते हैं आप लोग इसमें भी इसमें ताला बंद है और यहाँ पर देखिए गार्ड लिखा गया, बट सामने देख सकते हैं आप लोग वो मिट गया। मैं थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाता हूँ आप लोग को, ये देख सकते हैं आप लोग अंदर का व्यू, पूरा भाई ये जंगल हो चुका है, जो चीनी मिल है अब जंगल में तब्दील हो चुकी है, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए एक सब बोर्ड लगा है जिसपे लिखा गया है भाई नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उपक्रम, नंदगंज गाजीपुर। उसके ऊपर देखिए लिखा गया है पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर लिखा गया इकाई नंदगंज गाजीपुर, नंदगंज सिहोरी कंपनी लिमिटेड, वही बात इंग्लिश में भी लिखा गया। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही दिखाई देंगे भाई, क्योंकि मिल काफ़ी दिनों से बंद है। ये देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ का व्यू, इस साइड में देख सकते हैं आप लोग यहाँ रास्ता बना है, एक देख सकते हैं आप एक मकान की तरह भी बना है यहाँ पर। और इस साइड में भी चार दीवारी की गई है, आप लोग देख सकते हैं इस साइड से भी पूरा व्यू। और भाई इस साइड में देख सकते हैं ये चीनी मिल का बिल्डिंग है, जो कि इसमें जितने भी सामान थे सब यहाँ से समझ लीजिए गायब हो गए हैं। और इस समय और यह देख सकते हैं आप लोग सामने लिखा गया, यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया है लॉज डिस्टिलरी LTD मतलब लिमिटेड, इस साइड में इसका एरो बनाया गया है। इस साइड में देख सकते हैं आप लोग शराब, देसी शराब बनता है। और ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये चला जाएगा आपका सिरगिद्धा होते हुए सादियाबाद साइड में चला जाएगा। और भाई मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग जो लॉर्ड डिस्टिलरी है यहाँ पर जो देसी शराब बनता है, ये कंपनी भाई जानते हैं आप लोग शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है, बट ये चल रहा है, लेकिन शुगर मिल से कितने किसानों का फायदा होगा वो बंद है। ये देख सकते हैं आप लोग इस साइड में काफ़ी सारे पेड़ हैं और ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक दुकान भी है और बंदर यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी एरिया में बाउंड्री बनाई गई है, चारों तरफ आपको जो शुगर मिल है उसके अंदर आपको पेड़ ही दिखाई देंगे, बाकी सामान तो है नहीं और कंपनी बंद है, आप लोग समझ सकते हैं। ये था पूरा व्यू भाई।
और भाई आप लोग देख सकते हैं इस साइड से भी काफ़ी एरिया में जो कि यहाँ पर जो फैक्ट्री है यहाँ पर देसी शराब बनता है काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, और जो शुगर मिल है उसकी बाउंड्री भी काफ़ी एरिया में है। आप लोग देख सकते हैं मैं पीछे वहाँ पे था, काफ़ी एरिया में भाई फैला हुआ है देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा शुगर मिल और लार्ज डिस्ट्रिक्ट का व्यू। आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस ब्लॉग के लिए शैली शर्मा जी थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भैया प्लीज़ यहाँ का ब्लॉग बना करके यहाँ का अपडेट दीजिए, इसलिए मैं यहाँ का ब्लॉग बनाया। अगर आपके जानकारी में भी कोई अच्छा प्लेस है जहाँ पर ये लगता हो आपको कि यहाँ पर ब्लॉग बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे आसपास होगा मैं जहाँ पहुँच सकूँ तो मैं आप लोग को ज़रूर वहाँ का अपडेट दूंगा। आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि इधर भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका रीज़न था कुछ थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। अब कोशिश करूँगा कंटिन्यू ब्लॉग लाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग के यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लेस से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।